महिला को बंद कर उबर कार ड्राइवर ने की छेड़छाड़, बचने के लिए महिला कूदी कार से। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की सनसनीखेज खबरों में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत है। दिल्ली में उबर कैब ड्राइवर द्वारा एक महिला को कार में बंद करके छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 23 वर्षीय उबर ड्राइवर को अपहरण और छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक 28 वर्षीय महिला ने हरियाणा से रोहिणी अपने घर तक आने के लिए उबर कैब बुक कराई थी। इस घटना के संबंध में महेंद्र पार्क स्थित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। छेड़छाड़ की शिकार ये पीड़ित महिला मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। मीडिया की खबरों के मुताबिक जब कैब इस महिला को लेने के लिए पहुंची, तो महिला ने गौर किया कि कार की नंबर प्लेट सफेद रंग की है और इसके बाद महिला ने देखा कि मोबाइल ऐप पर भेजा गया ड्राइवर का फोटो भी ड्राइवर सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से मैच नहीं कर रहा है। हालांकि इन सब की पुष्टि के बावजूद भी महिला कार में बैठ गई। जब महिला ने देखा कि चालक उसे दूसरी तरफ लेकर जा रहा है, तब उस महिला ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और उसके बाद उस ड्राइवर ने दरवाजे लॉक कर दिए। जब महिला ने इन सब का विरोध किया और ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, तब वह नहीं माना और महिला को धमकाने लगा और उसके बाद ड्राइवर ने महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। लेकिन इस महिला की हिम्मत और चौकन्नेपन की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जब ड्राइवर ने सीएनजी पेट्रोल पंप के पास कार की स्पीड कम करी, तब इस महिला ने हिम्मत दिखाकर कार का गेट खोला और नीचे कूद गई, जिसके बाद महिला किसी तरह से वहां से भागी और भागकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी कैब टैक्सी सभी लोगों की सुविधाओं के लिए बनी है, वहीं दूसरी तरफ कभी कभी इन सुविधाओं के जरिए मानसिक कुंठा से ग्रस्त लोग अपनी हवस की पूर्ति करने के लिए भोली भाली महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह की गलत हरकत कर बैठते हैं। आज के समय में सिर्फ एक मनुष्य हो पाना काफी नहीं है। आप अगर इस समाज में रहते हैं तो आपको समाज में होने वाली हर एक हरकत को बारीकी से मुआयना करना पड़ेगा और अपने लिए अच्छे और बुरे का चुनाव भी करना होगा। सजग रहिए, सतर्क रहिए, कोशिश कीजिए कि होने वाले हादसे का भान होते ही उस हादसे की उत्पत्ति को वहीं रोक दिया जाए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। इस तरह की खबरों को पाते रहने के लिए जल्दी से हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हाजिर होंगे ऐसी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।